अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इकोनॉमिक्स टीचर। लास्ट लेक्चर में हमने मेहनत की डेफिनेशन पढ़ी थी, मेहनत, और आज हम पढ़ेंगे कि मेहनत की अहमियत क्या है, ऐसे कौन कौन से अवामिल हैं जो मेहनत की पैदावार सलाहियत को मुतासिर करते हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा मेहनत में, इसमें हमारे पास कुछ बुनियादी नुकात उसने दिए हुए हैं, तीन बुनियादी नुकात हैं, जिसमें सबसे पहले हैं इंसानी काबिलियत। सिर्फ इंसानी कोशिश को ही मेहनत के ज़िम्मे में रखा जा सकता है। हिवानात की मशक्कत और मशीनों का काम मेहनत के दायरे कर में नहीं आता, यानी बैल, घोड़े, गधे, ऊन वगैरह, मीन्स के इंसानी काबिज, जो इंसान जो अपनी एफर्ट कर रहा है, इंसान की जो मेहनत है वो इंसानी काबिज में आती है। दूसरा, ये मेहनत के हवाले से कुछ तीन बुनियादी पॉइंट उसने बताया, जहनी और जिस्मानी काबिज। जहनी जिस्मानी काबिज में इंसानी काबिज को आज जहनी रोयत की हो या जिस्मानी, जो मुआवजे की खातिर की जाए, मेहनत कहलाती है। मतलब जहनी, हम अपने जहन से कोई काम कर रहे हैं, या मतलब अपनी मतलब जिस्मानी काबिज, जिस्मानी मेहनत, जैसे हम अपने हाथ से कोई काम करते हैं तो वो हमारी जिस्मानी काबिज है, मीन्स के मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स बोथ। नेक्स्ट देखें मादी मुआवजा, जो काबिज किसी मादी मुआवजे के बगैर की जाए वो मेहनत में शुमार नहीं होती। मसलन किसी माँ का अपने बच्चे को पालना, किसी उस्ताद का अपने बच्चे को पढ़ाना, मीन्स के मेहनत जो बिला मुआवजा हो वो मेहनत नहीं कहलाती। मेहनत वो होती है जिसमें हमारे पास कोई ना कोई हमने काम करना होता है, और काम करने के बाद हमें उसकी कोई ना कोई उजरत मिलती है। ये तीन बुनियादी पॉइंट्स हैं, इंसानी काबिज, जहनी और जिस्मानी काबिज, मादी मुआवजा। ये बुनियादी नुकात थे मेहनत के। आगे देखें मेहनत की अहमियत, मेहनत की अहमियत उसने बताया हुआ है, कुछ माहिरीन के नज़दीक मेहनत ही सबसे अहम आमिल पैदाइश है, क्योंकि ज़मीन और सरमाए इंसानी मेहनत के बगैर अशिया खिदमात की पैदाइश नहीं कर सकता है। मीन्स के मेहनत का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन चारों अवामिल में से, ज़मीन भी हो और सरमाया भी हो, लेकिन जब तक इंसान की मेहनत नहीं होगा, इंसान कोई चीज़ नहीं बनाएगा, तब तक कोई भी अशिया तैयार नहीं हो सकती है। मीन्स मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। मेहनत की अहमियत बहुत ज़्यादा है हमारे पास। मेहनत की खसूसियात हैं, अगर देखें मेहनत को मजदूर से अलग नहीं किया जा सकता। एक मजदूर जो है उससे मतलब मेहनत जुड़ी हुई है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। मतलब एक मजदूर अगर काम कर रहा है तो वो उसकी मेहनत ही लग रही है, ठीक है। मतलब घर घर में भी बैठा अगर कोई मजदूर काम कर रहा है, या कहीं बाहर भी किसी फैक्ट्री में जो भी अगर कोई मजदूर कोई भी काम कर रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, किसी अशिया के बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो उसकी मेहनत है। और मतलब मेहनत तब ही करता है जो उसके बदले उसको उजरत मिल रही होती है। मेहनत का ज़खीरा नहीं है कि ज़खीरा नहीं किया जा सकता, मीन्स के मेहनत को हम ज़खीरा करना संभाल के नहीं रख सकते हैं। हम जिस टाइम काम करेंगे उसी टाइम ही हम मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत जो है हमें उजरत मिल जाती है। मीन्स कि हम मेहनत को एक साल तक संभाल के, ऐसा नहीं हो सकता जैसे हम अशिया का ज़खीरा कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। मेहनत को मतलब हमारे पास कोई मादी चीज़ नहीं है कि हम उसको संभाल के रख लेंगे, स्टोर में ज़खीरा कर लिया, ऐसा नहीं है। मेहनत हम करते हैं तो उसके बदले हमें उजरत मिलती है, ये एक इंसानी काबिश है। अगर देखें मेहनत कब हरकत पजीर होती है, मतलब हम मशीनों और बेजान मादी अशिया को तो एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क आसानी से हरकत करवा सकते हैं, लेकिन मेहनत ऐसी चीज़ नहीं है कि आसानी से हरकत हो जाए। मतलब एक इंसान को उसकी रजामंदी के बगैर एक पेशे से दूसरे पेशे में या एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक भेजना मुमकिन नहीं है, ठीक है। मतलब जब तक वो बंदा रजामंद नहीं होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। मेहनत की हरकत पजीरी जो है कम होती है, मजदूर की सौदाबाजी की कुवत कमज़ोर होती है, चूँकि मेहनत का ज़खीरा जो है मतलब नहीं हो सकता, लिहाजा इसके डर की वजह से मतलब जो मजदूर को जो अगला बंदा उसको ऑफर कर रहा है कि आप मेहनत का हम आपको इतना सिला देंगे, तो वो उस चीज़ को आसानी से कबूल कर लेता है। सौदाबाजी की मतलब कुवत कमज़ोर होने का मतलब ये है कि ज़रा वो उसको ये पता है कि अगर मतलब मुझे काम ना मिला तो मेहनत नहीं करूँगा, मेहनत उसने करनी है तो उसके बदले उसको उजरत मिलेगी। मतलब आजिर की उसकी कमज़ोरी की मतलब कमज़ोरी उसकी यही होती है कि उसने मेहनत जो है ज़ाहिर मेहनत करनी है, अपनी अर्निंग करनी है, मेहनत करेगा तो उसके बदले उसको रोज़े मिलेगी। गैर मुस्तमिल मेहनत वापस नहीं आ सकती। अगर कोई शख्स किसी रोज़ काम ना करे तो मतलब उस दिन उसकी मेहनत जो है वो मतलब उस चीज़ को वापस हम नहीं ला सकते हैं। जिस दिन अगर उसने काम नहीं किया है तो उसने मेहनत जो है वो नहीं की है, मतलब कोई अशिया नहीं बनाई है, तो उसके बदले उसको उजरत भी नहीं मिलेगी। मतलब जो जो उसने काम नहीं किया उस दिन की उसकी मेहनत रह गई। इस्तेदादकार में फ़र्क, मजदूरों की इस्तेदादकार मुख्तलिफ होती है। बाद मजदूर ज़्यादा ज़हीन मेहनती होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, और कुछ मजदूर मेहनती कम होते हैं और उनकी जहनी सलाहियत भी कम होती है। मेहनत की रसद गैर लचकदार होती है। मजदूरों की रसद में फौरी तौर पर इजाफा या कमी मुमकिन नहीं होती, चूँकि मजदूरों की दस्तियाबी आबादी में इजाफा मरहूम मिन्नत होती है, लिहाजा आबादी को ना तो यकदम बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया
जैसे बल्कि बच्चों को काम के काबिल बनाने के लिए एक तवील अरसा दरकार होता है। इस तरह मखसूस पेशों के लिए माहिर मजदूरों की नस्ल बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए होता है। मेरा तिरस्त हज़ार लचदार का मतलब ये है कि एक बंदा जो जिसको हुनर देना है हमने, जिसने अपना कोई काम करना है, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। मतलब इतनी आसानी से ये सारा कुछ नहीं हो जाता है, काफ़ी वक्त चाहिए होता है। तो रसद मेहनत की रसद गैर लचकदार का मतलब है कि इसके लिए जो है वो एक टाइम हमें चाहिए, फौरन से हम ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। मतलब मजदूरों की रसद में फौरी तौर पर इजाफा या कमी मुमकिन नहीं होती है। जो एक दो ऑलरेडी हमारे पास जो मजदूर काम कर रहे हैं, उसके लिए दूसरे अगर कोई और मजदूर हमने रसद बढ़ानी है मजदूरों की, तो उसके लिए हमें टाइम लगता है मजदूरों को तैयार करने में, मजदूरों को हुनर देने में। मुआवजे और इस्तेदादकार का बाहमी ताल्लुक, मुआवजे और इस्तेदादकार का बाहमी ताल्लुक मीन्स के जो जितना अच्छा काम करेगा मजदूर, उसका मुआवजा उसको उतना अच्छा मिलेगा। मजदूर के मुसारिफ पैदाइश मालूम करना मुश्किल है। देखें, उसने ये लिखा, मजदूर के बचपन से लेकर काम करने की उम्र तक पहुंचने पर उसकी तालीम, ट्रेनिंग और परवरिश पर जो रकम खर्च होती हैं, उनका शुमार करना मुश्किल होता है। मीन्स हमारे पास जितने भी मजदूर वगैरह जो काम कर रहे होते हैं, उनकी जितनी भी तालीम है, ट्रेनिंग है, जो सारा कुछ है, हमें मतलब परवरिश है उसकी, उन सारी चीज़ों का हमारे लिए मतलब शुमार करना मुश्किल है। हमें नहीं पता उनका कितना पैसा खर्च हुआ है। मजदूरों ने बचपन से लेकर काम करने की उम्र तक पहुँचे, उसकी तालीम, ट्रेनिंग पर जितना भी पैसा लगा रहा है, आम अशिया की तरह मजदूरों के मुसारफ पैदाइश का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि उनका मतलब कितना तालीम पे, बाकी सारी चीज़ों पे कितना खर्च हुआ। यह हमारे पास कुछ मेहनत की खसूसियात है। मेहनत की पैदावार लायक को मुतासर करने वाले अवामिल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ सकता है। इसमें देखें, काम की रफ्तार मीन्स काम की रफ्तार, मजदूर अच्छा काम कर रहा है, तेज़ काम कर रहा है, या मजदूर कम काम कर रहा है, दिन में कम अशिया पैदा कर रहा है, तो ये भी मतलब काम की रफ्तार भी जो है हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है मेहनत की पैदावार सलाहियत को, कि कब मेहनत जो है पैदावार सलाहियत कैसे कम हो सकती है और ज़्यादा हो सकती है, काम की रफ्तार डिपेंड करती है। खाम माल का इस्तेमाल मीन्स कुछ मजदूर खाम माल को बहुत ही लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं और कुछ मजदूर जो है बहुत एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारी मेहनत की पैदावार सलाहियत को मुतासर करती हैं। अशिया का म्यार मीन्स के गैर म्यारी और नाकस अशिया की बजाय आला म्यार की अशिया पैदा करने वाले मजदूर की ज़्यादातर बुलंद होती है। मीन्स के हमारे पास जो अशिया मौजूद होती हैं, अवेलेबल होती हैं, वो जो मजदूर अच्छी बनाता है उस मजदूर की ज़्यादा जो मेहनत को जो है वो काउंट किया जाता है। लागत पैदाइश ये भी देखते हैं हम लोग के कितनी कम कीमत में मजदूर कितनी चीज़ें बना रहा है, ये भी चीज़ें काउंट होती हैं। नेक्स्ट देखिए, मजदूरों की जिसमानी सेहत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मजदूर सेहतमंद होगा जहनी तौर पर भी, जिसमानी तौर पर भी, तो वो हमारे लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बना सकेगा। अगर मजदूर ही सेहतमंद नहीं है तो वो हमारे लिए मतलब सही से मतलब काम नहीं हो सकता। जहनी सलाहियत, मजदूर की जहनी सलाहियत, मेंटल एबिलिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इखलाक़ो आदात मतलब मजदूर नेक होगा, समझदार होगा, दयानतदार होगा, तो उसमें मतलब झगड़ालू नहीं होगा, तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जो हमारी मेहनत की पैदावार सलाहियत को मुतासर करती हैं। आया कि हमारी मेहनत की पैदावार सलाहियत कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ये सारी चीज़ें उसको मुतासर कर रही होती हैं। नेक्स्ट देखें, काम के हालात कारखाने वगैरह जो है, मतलब आया वहाँ पर सफाई है और वहाँ पर जो एक दूसरे के घर मिलकर जो लोग काम कर रहे हैं, इखलाक की सूरत में उनके आदात अच्छे होने चाहिए, सेहत अच्छी होनी चाहिए, सफाई ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें भी हमारी पैदावार सलाहियत को मुतासर कर रही होती हैं। काम के तवील अवकात की सूरत में मजदूर थक जाते हैं, उसकी वजह से मुजाहरा काम सही से नहीं कर पाते हैं। तो काम के अवकात भी इस तरह से होने चाहिए कि हमारे मजदूर भाई जो हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिसके बदले उन्होंने उजरत लेनी है, वो ये आराम से काम कर सकें, और बहुत ज़्यादा लंबा काम टाइम होगा तो वो थक जाएंगे। तरक्की के मौके, जब मजदूरों को तरक्की के ज़्यादा मौके मयसर होंगे तो मजदूर ज़्यादा काम करते हैं और मतलब पैदावार सलाहियत को बढ़ाने में मदद मिलती है। तालीम और तरबियत, आम तालीम, मालूमात में इजाफा, शौर की पुख्तगी और गौरफहमी जैसी मतलब हमारे पास जितने भी मजदूर हैं उनको तालीम और तरबियत, हमें ट्रेनिंग वगैरह देते रहना चाहिए। और अगर हम उनको मतलब ट्रेनिंग देंगे, हुनर जो भी है उसके हवाले से उनको हम बताते रहेंगे, ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज वगैरह करवाएंगे, तो वो जो है मजदूर हमारी जो मेहनत की पैदावार सलाहियत है उसको इजाफा करने का सबब बनेंगे। मजदूर मालिक ताल्लुकात, मजदूर का और मालिक का आपस में ताल्लुकात कैसा है, आया अच्छा है, बुरा है,
जिस तरह से भी है, अगर अच्छा ताल्लुक है तो जाहिर है हमारी मेहनत की पैदावारी सेहत पर ऑब्वियसली इफ़ेक्ट होता है। मौसमी हालात भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, ये मतलब मौसमी हालात किस तरह के हैं, सख्त गर्म और सख्त सर्द खुश्क आबो हवा वाले इलाकों में मजदूर ज़्यादा देर तक और ज़्यादा मजदूरी से काम नहीं कर सकते, मतलब मौसम भी अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा ठंड में भी सही से काम नहीं हो पाता है। तो मौसम इस तरह से होना चाहिए कि मजदूर जो है हमारा सही से काम कर सके ताकि मेहनत की पैदावार शायद में इजाफा हो। तकसीम का, रोज़गार का आर्जी या मुस्तकिल होना, उजरतों का मियार के इशारे और नेक्स्ट कुछ पॉइंट भी दिए हुए हैं हमारे पास जो मेहनत की पैदावार सलाहियत को मुतासर कर रहे होते हैं। उजरतों का मुसारफ देकर आमीन की नोयत, खानदान और नस्ल, सियासी हालात, ये सारी चीज़ें, खानदान और नस्ल, मजदूरों का खानदान और नस्ल उनकी कारकर्दगी बहरे असरात मरतब करते हैं। बाद हंसने फिक्री तौर पर ज़्यादा जफाकश, नडर और मेहनती होती हैं, खानदान और नस्ल भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है कि कुछ जो नस्लें कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। ये कुछ हमारे पास मेहनत के हरकत पजीरी में असरअंदाज होने वाले अवामिल थे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे नकल पजीरी और हरकत।